कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा, अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। ओरिजिनल जबान पर आ गए, बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को, बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है मोदी की। दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है।